अरे फोटो खिंचवाओ पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी फोटो खिंचवाओ। हाँ हमारा शुभ नाम रोहित कुमार पांडे। आज काशी में हमारे बनारस में मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, तो वो यहाँ पर आने का उनका मुख्य कारण था, वो अपने ससुर जी का अस्थि लेकर आए। तो उनके साथ में यहाँ पे तीन लोग आए थे, एक मुख्य प्रधानमंत्री जी आए थे और उनकी पत्नी जी और उनके साले साहब आए थे। उनके साले साहब बैठकर मुख्य कर्म जो है अस्थि का कार्यक्रम जो होता है पिंडदान और अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम उनके साले साहब ने बैठकर किया और साथ में उन मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे और उनकी पत्नी जी भी बैठी थी। पहले यहाँ पर पिंडदान का कार्यक्रम हुआ दशाश्वमेध में घाट पर, उसके बाद हम नौका के द्वारा जो है मणिकर्णिका घाट पर गए, वहाँ पर अस्थि विसर्जन किए। अस्थि विसर्जन करने के बाद पुनः हम लोग दशाश्वमेध घाट पर वापस आए। लगभग कितने देर का कार्यक्रम हुआ? आधे घंटे का कार्यक्रम हुआ। पर यहाँ पर एक अस्थि सिंचय का पिंड हुआ और अस्थि पूजन कराने के बाद मणिकर्णिका घाट पर अस्थि विसर्जन हुआ। आज से कुछ दिनों पहले ही अस्थि लेकर के पहले भी आ चुके एक बार काशी आगमन हुआ था, लेकिन उस समय मैं कार्यक्रम नहीं कराया था, उस समय कोई और ब्राह्मण है तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि मणिकर्णिका जी का 2019 में अपने पिताजी का भी अस्थि लेकर आए। विशेष रूप में उनमें क्या ऐसी नई चीज देखने को मिली इस बार, क्या नया था उनके लिए? देखिए हमें उस समय पर हम नहीं थे, हम इस बार क्या नया आपको देखने को मिला कि उन्होंने किया? नहीं, ये है कि जिस चीजों को हमने बताया हमारे परंपराओं को उन्हें अच्छे तरीकों से किया और हमारे परंपराओं को अच्छे तरीके से निभा भी रहे हैं। ठीक, मेरा नाम नागेश्वर पांडे होगा। नागेश्वर जी, आज क्या कार्यक्रम हुआ है दशाश्वमेध पर, कौन आए हुए? हम जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हुए थे, तो उन्होंने अपने ससुर का पिंडदान इत्यादि कर्म किया है और साथ में उनके साले साथ उनके धर्म पत्नी थे, बहुत बढ़िया से उन्होंने पूजन पाठ किया। पूजन पाठ करने के उपरांत मणिकंठा पे जाकर अपने ससुर का अस्थि संचय किया, अस्थि विसर्जन किया, गंगा पूजन किया, यही सब कर्म उन्होंने किया। क्या नया था इसमें और किस तरीके से व्यवस्था रखी गई थी दशाश्वमेध घाट पर? व्यवस्था बहुत बढ़िया थी और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने किया, हमारे हिंदू धर्म को बहुत बढ़िया से उन्होंने समझा, सत्य सनातन धर्म को जान रहे हैं, बहुत अच्छे से कर्म किए, कोई दिक्कत कोई नया नहीं देखने को मिला। बहुत जैसे लगा कि वो यहीं के ही है और ऐसा कर्म हमेशा करते आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कर्म किया। जी जी, वो मणिकंठा पे जाकर अस्थि विसर्जन किया है उन्होंने।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।